कई सवाल इस मुद्दे को लेकर सामने आया है कि क्या मैम ये बात सही है कि 25 जून से टिकटॉक बंद होने जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन आपको इससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आखिर ऐसे सवाल उठ क्यों रहे हैं और क्या वो वजह है जिसके चलते इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। भारत और चाइना के बीच जिस तरह का तनाव पैदा हुआ, सीमा पर भारत और चाइना दोनों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, झड़प होती है और हमारे 20 जवान शहीद हुए। नुकसान चाइना को भी हुआ, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में जो माहौल यहाँ पर पैदा हुआ, जिस तरीके से नापाक हरकत सामने आई चाइना की, उसके बाद से देश के अंदर से आवाज उठने लगी है कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जो भी चाइनीज सामान है, कंपनीज है, प्रोडक्ट्स है, उन सभी का बहिष्कार भारत करेगा। और हर तरफ से ये आवाज उठ रही है, हर राज्य में इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदर्शन हम देखने के लिए हमें मिल रहा है। लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए चाइना को। इसी मुद्दे को लेकर हमने देखा कि किस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं इस बैठक में मौजूद रहते हैं। और उसके बाद पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि अगर हमारी तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लेकिन अब ये उठ रहा है सवाल कि क्या वाकई हम उन तमाम प्रोडक्ट्स, उन तमाम कंपनीज, उन तमाम सामान का बहिष्कार भारत करेगा जो कि जापान से आता है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी तक ऐसा कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। क्योंकि बहिष्कार की अगर सबसे पहले बात होती है चाइनीज सामानों की या फिर ऐप की, तो सबसे पहले लोगों के जहन में ऐप को लेकर जो सवाल उठता है वो है टिकटॉक। क्योंकि टिकटॉक एक इस वक्त का ऐसा ऐप चल चुका है जहां पर बड़ी संख्या में यूजर्स जो है इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यहां पर आकर अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं, लोग यहां पर अपने अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं। और अगर ऐसे में कोई इस तरीके की खबर सामने आ जाती है तो लोगों में एक तरीके से टेंशन हम कह सकते हैं कि वो पैदा हो जाती है। लेकिन ये खबर आप ध्यान से सुनेगा कि अभी तक कोई भी ऐसा फैसला टिकटॉक को लेकर नहीं लिया गया है। सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसमें इसका जिक्र हो कि टिकटॉक बंद होने जा रहा है 25 जून से। ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से वायरल की जा रही है खबर, लोगों में एक तरीके से इस खबर को लेकर हलचल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हर कोई जानता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा यूजर्स जिसके पास है वो है टिकटॉक। टिकटॉक का इस्तेमाल इस वक्त हर कोई कर रहा है, बड़ी संख्या में लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी खबर जो कि वायरल हो रही है, इस पर अभी आप विश्वास मत कीजिए। क्योंकि आप लोग कई सवाल मुझे इसी से रिलेटेड कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका जवाब दे दिया जाए। तो आप आराम से टिकटॉक का इस्तेमाल कीजिए, आप आराम से इस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, आप अपना आराम से टैलेंट दिखाइए। अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं है या सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि टिकटॉक बंद होने जा रहा है। आप इससे इस खबर पर कोई भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि एक तरीके से वायरल खबर है ये। और इस खबर का खंडन हालांकि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, ना ही सरकार का कोई फैसला आया है। तो इसीलिए आपको इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बेझिझक बेहिसाब आप इस टिकटॉक का इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छे से चलाइए जैसे चला रहे हैं। जैसी कोई खबर सामने आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।